माइक्रोसॉफ्ट जस्ट डिड इट। ये पहला एक लैपटॉप होने वाला है जो कि एप्पल मैकबुक एयर को हेड टू हेड टक्कर देने वाला है, और ये फर्स्ट वो मशीन है जो कि मैं सबको, ऑलमोस्ट सबको रेकमेंड कर सकता हूँ, चाहे वो डेवलपर है, एडिटर है, कोडर है, या बिजनेस क्लास सीरीज में फॉल करते हैं, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ये हर उस बंदे के लिए मशीन होने वाली है जो कि एक स्टाइल और डिसेंट मशीन को एक अच्छी प्राइस में अवेल करना चाह रहा है। तो क्यों, क्या, किस लिए, देखते हैं। और ये वो मशीन है कि जिनकी आज तक हम लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपना पहला लैपटॉप बनाया जेन 1 के नाम से। और अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल जो चीज़ें इसको ग्लोरीफाई करती हैं, ये जो इसकी ब्यूटी है मेन हाइलाइट्स में आती हैं, इसकी ओवरऑल बॉडी जो कि स्पेशल एल्युमिनियम चेसी के अंदर बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम इसकी बिल्ड देखें तो कंप्लीट बिल्ड इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे पहले अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इसमें कलर्स हमें देखने को मिलता है प्लैटिनम, कोबाल्ट ब्लू, ग्राफाइट गोल्ड और साथ में बरगंडी, ये चार कलर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन लुक की बात करें तो ए पैनल के ऊपर हमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो इम्बोज हुआ नजर आता है, और अगर हम लेफ्ट पैनल की बात करें तो हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने स्पेशल डॉक के साथ आती है, और सेम एज लाइक एप्पल की तरह मैग्नेटिक पिन हमें इसमें देखने को मिलती है। और अगर हम बैक साइड पर चले जाएँ इसी तरह, तो बैक साइड पर हमें कोई वेंटिलेशन ग्रिल, कोई होल, कुछ भी नहीं देखने को मिलता। और अगर हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल पर आएँ तो लेफ्ट प्रोफाइल के ऊपर हमें सिर्फ एक सी टाइप ए पोर्ट देखने को मिलती है जो कि 3.0 में आती है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलती है, और साथ ही हमें एक 3.5mm का डुअल ऑडियो जैक देखने को मिलता है। तो ये इसकी ओवरऑल पोर्ट्स हैं और दैट्स इट, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जी अगर आपको इसके अलावा मजीद पोर्ट्स चाहिए तो मेरा एक डॉकिंग स्टेशन आता है, वो भी सेपरेटली बाय करो, मजीद खर्चा करो, वही एप्पल वाली मेन लॉजिक। और अगर हम बात करें इसकी मजीद एयर वेंटिलेशन से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पे इसके एयर वेंट्स बैक साइड पे सिर्फ देखने को मिलते हैं, और ये इसके अलावा लैपटॉप के अंदर ओवरऑल कोई होल या कोई भी मजीद कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे ही हम इसके फर्स्ट लुक को ओपन करते हैं और इसका इंप्रेशन लेते हैं, तो ये इतना स्मूथ और लाइट वेट होने वाला है कि इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया कि नॉर्मल रूटीन में जो लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। लैपटॉप जैसे ही हम ओपन करते हैं तो लैपटॉप कहता है भाई किसी और को भी बुलाओ मुझे उठाने के लिए, तो इसलिए हम इसमें चेक करते हैं, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत स्मूथ रखा। और इसकी हिंजेस यहीं से ही मुझे भी, मैंने पूरा ओपन नहीं किया और ओपन करने से पहले ही मुझे पता चला कि इसकी हिंजेस की ओपनिंग कितनी स्मूथ होने वाली है। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट लेवल पर लेके गए कि लैपटॉप हमारी वबल नहीं कर रही। और जहाँ तक बात है इसके हिंजेस की, तो हिंजेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे मैं स्क्रीन को छोड़ रहा हूँ वहीं पे ही स्क्रीन जो है रुक जाती है। हाँ, स्क्रीन के अंदर एक थोड़ा सा वबल है, वो आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा। अगर आप इसकी जो इन हैंड फील देखेंगे ना, वो इतनी प्रीमियम होगी कि इसकी मेन हाईलाइट इसका डिस्प्ले होने वाला है, मगर इसका डिस्प्ले से भी ज़्यादा इसका जो अटेंशन जाती है वो उसके सी पैनल के ऊपर जाती है। सी पैनल के ऊपर अगर हम देखेंगे वो किस लिहाज से, कि इसका सी पैनल नॉर्मल रूटीन में हमारा कोई भी लैपटॉप होता है तो वो डिज़ाइन हुआ होता है मेटल के अंदर या फाइबर, कार्बन फाइबर के अंदर, इस तरह की बॉडीज़ के अंदर होता है। मगर माइक्रोसॉफ्ट ने एक नेक्स्ट स्टेप पर जाने की कोशिश की और इसको डिज़ाइन किया है इन हाउस अपना एक फैब्रिक जो कि उसने अपने पूरे सी पैनल के ऊपर लगा दिया, और सेम कलर को उसने कॉम्बिनेशन दिया है प्लैटिनम के साथ अपने इसी कलर को, और कीबोर्ड और टचपैड सेम कलर में उसने अपना यहाँ पे दे दिया। तो ये तो है इसकी कुछ हाईलाइट, और इसकी इन हैंड फील इतनी प्रीमियम है कि जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हैं, फील करते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि ओह माय गॉड ये क्या चीज़ है, मतलब समझ रहे हो ना बात को, ये जब हाथ लगाओगे ना तभी पता चलेगा, तो जल्दी से परचेज कर लो इसको। और अगर हम इसके सी पैनल की बात करें तो सी पैनल के ऊपर हमें इसका कीबोर्ड देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें इसकी बैकलाइट की तो बैकलाइट कीबोर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है जो कि 2 से 3 स्टेजेस के अंदर होगा। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो जिसे कहते हैं ना एवरीथिंग ऑन द राइट टाइम टू राइट प्लेस, ये वो चीज़ है कि इसका कीज ट्रैवलिंग डिस्टेंस इतना अच्छा है, कोई भी हमारी फिंगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही, पिन पॉइंट प्रेशर पड़ रहा है, इतने स्मूथ कीज जो है ना प्रेस हो रही है कि कहीं पे भी क्लिक ही जो है ना साउंड में देखने को नहीं मिलता। और साथ इसकी जो एक नेक्स्ट चीज़ है वो है इसका ट्रैक पैड, सुपर फास्ट, सुपर स्लिम, मल्टी जेस्चर सपोर्टेड, और साथ में हिडन बटन्स के साथ दिया गया। हाँ, उसका साउंड हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी क्लिकी है। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में हमें इसके सुपर नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, और जिसका एस्पेक्ट रेशियो 3.2 है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 2256x1504 है जो कि 2K कहलाती है आम जुबान में। और अगर हम बात करें उसकी PPI की तो 201 इसकी PPI हमें देखने को मिल जाती है, और स्क्रीन की जो है टच प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। मजीद इसमें देखें तो पिक्सल सेंस का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स और कलर कॉम्बिनेशन और लाइट्स को विविड करके बनाया गया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे लिए अच्छा होने वाला है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप एक एडिटर हो, अगर आप फोटोग्राफर हो, कोई भी हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा शार्प कलर्स चाहिए
तो ये मशीन डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक कोडर हो और अगर आपको अल्ट्रा फास्ट स्पीड चाहिए, या अगर आपने किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो ना मोबाइल यूज़ कर करके टच की आदत होगी, तो ये डेफिनेटली ये मशीन आप लोग ही यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि इसमें आपको हर वो फीचर मिल रहा है जो कि आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और अगर हम बात करें इसमें इसकी टच सेंसिटिविटी की, तो मल्टी टच सपोर्टेड है, मतलब ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी 10 फिंगर्स पॉइंट्स पे सपोर्ट करती है, तो हम एक टाइम में जितनी मर्जी फिंगर्स के साथ काम करना चाहें हमारा वो काम इजीली होगा। अब ये तो थी इसकी ओवरऑल इसकी लुक। और अगर हम बात करें इसके फोरहेड की, तो फोरहेड के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ तीन चार चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आता है इसका विंडोज़ हेलो फेस कैमरा, और साथ में IR सेंसर्स, और उसके बाद एम्बेड लाइट सेंसर जो कि हमारी बैटरी को सपोर्ट करेगा। आउटडोर एक्सपोजर में हमारी लाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें ब्राइटनेस अपनी कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, और सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता रहेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके जो है दो माइक्स देखने को मिलेंगे जो कि इनबिल्ड आ रहे हैं। माइक के होल्स यहाँ पे इतने बारीक हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं पे भी इसको छोड़ा नहीं कि मैं कुछ भी जो है ना इसमें कोई ड्रॉबैक रहने दूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें, इंटेल कोर i5 5300U हमें देखने को मिलेगा, 2.6 GHz के साथ देखने को मिलेगा, और जिस जो कि आता है सिंगल सॉकेट के साथ, डुअल कोर 4 थ्रेड्स और 3 MB कैश के साथ। और अगर हम बात करें इसमें मजीद इसकी प्रोसेसर स्कोरिंग की, तो N22 बेंचमार्क के ऊपर हमें 2.6 मिलियन के अराउंड इसका स्कोर देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, तो हमारा डेली ड्राइवर होने वाला है, और एज अ डेली ड्राइवर के तौर पे हम क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा इसमें एडिटर्स को, कि अगर आपकी मल्टीपल लेयर्स हैं 1080 पिक्सल की, वहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर आपने सीरीज एडिटिंग करनी है, लाइक 4K के बड़े प्रोजेक्ट एडिट करने हैं, तो फिर ये मशीन आपके लिए नहीं है। और अगर आपने जो है लोअर एंड की गेमिंग करनी है, तो ये भी मशीन तब भी आपके लिए है, और इन चीज़ों को मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी की इसकी, तो इसमें हमें DDR4 रैम देखने को मिल जाती है 8GB के साथ, जो कि सिंगल सॉकेट में। और इसकी एक मेन चीज़ जो इसका ड्रॉबैक कह लें या इसका प्रॉस कह लें या क्रॉन्स कह लें, वो आएंगे इसमें कि आप इसकी कोई भी स्पेक्स को छेड़ नहीं सकते। सारी जो है इसकी स्पेक्स ऑन बोर्ड हैं, सोल्ड हैं, आप उसको ना अपग्रेड कर सकते हैं ना डाउनग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी इस मशीन को परचेज करेंगे, तो आपको ये तसल्ली होगी कि आप इसकी हमेशा ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट ही परचेज करें, कहीं भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई भी। और इसका ड्रॉबैक ये है कि कल को अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहें, लाइक अभी 256 GB है, तो आप इसमें 512 GB या 1 TB की SSD को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अभी इसको आप इसका पॉजिटिव पॉइंट कह लें या नेगेटिव पॉइंट कह लें, दोनों चीज़ें मैंने आपको इसकी सम अप करके बता दी हैं। और इसमें एडिशनल फीचर्स ये भी कि इसमें आपको स्मार्ट कार्ड रीडर वो भी देखने को नहीं मिलता, और SD कार्ड सपोर्ट वो भी नहीं देखने को मिलती, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉकिंग स्टेशन लेना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट पे लगेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ आता है। और इसका ये एक अडॉप्टर है, और जो कि 12 वोल्ट के साथ चार्ज करता है, और ये मैग्नेटिक है जिस तरह एप्पल के चार्जर होते हैं। तो इसी तरह इसी पॉइंट पे हमारा डॉकिंग स्टेशन लगेगा, और सारे डिस्प्लेस पॉइंट्स और कार्ड वगैरह की स्लॉट्स हमारी वहाँ पे निकल आएंगी। हाँ, आपने मेक श्योर कर लेना, जब आप लैपटॉप को परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने ऑन द मेन टाइम आपने देख लेना कि आपको क्या चीज़ स्पेक्स की रिक्वायर्ड है। ऑन फ्यूचर आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको i7 वाला वेरियंट भी मिल जाता है। इसमें तो आपको SSD ऑन बोर्ड मिल रही है ना, SSD तोशिबा की 256 GB, और इंटेल ग्राफिक्स आपको मिल रहे हैं 620 के, इंटेल ST620 ग्राफिक्स। और अगर आप इसमें i7 वाला वेरियंट बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको 512 GB SSD और साथ में इंटेल आयरिस ग्राफिक्स 640 देखने को मिलेंगे, जो कि एडिटर्स की मोस्टली पसंद है। अगर हम इसमें सिक्योरिटी की बात करें, तो इसमें 2.0 का DPM सिक्योरिटी चिप हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी के साथ आता है। तो इसमें उन्होंने इसका वर्जन तो नहीं चेंज किया, उसमें सिक्योरिटी के लेवल्स को मजीद इंक्रीज कर दिया, और साथ में विंडोज हेलो का फीचर दे दिया कि जैसे ही हम लोग लैपटॉप अपने ऑन करेंगे, तो सबसे पहले मेरा फेस डिटेक्ट करके स्कैन करके, मेरे से मुराद आपका भाई जो तू लैपटॉप बाय करे गुस्सा ना करे, आपका फेस डिटेक्ट करेगा, और साथ ही जो है विद इन अ नैनो सेकंड्स आपका जो है ना लैपटॉप स्क्रीन जो है वो अनलॉक कर देगा। और इसमें अगर हम साउंड की बात करें, तो हमें इसमें डॉल्बे का प्रीमियम साउंड देखने को मिलेगा। इसके स्पीकर का आउटपुट हमारे पास कोई भी नहीं है, तो कीबोर्ड के अंदर से ही हमारा साउंड आता है, वो इतना विजिबल और इतना क्रिस्प साउंड है कि हम एक हॉल के अंदर बैठ के इजिली मूवी देख सकते हैं, और हमें किसी भी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं है। तो साउंड की क्वालिटी कितनी डिसेंट और क्रिस्प होने वाली है। और अगर हम बात करें इसकी बॉडी वेट की, तो इसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट ऑन स्केल वेट जो है 1.25 kg है, और ये इतना एग्जैक्ट वही वेट है जो कि मैकबुक एयर का है, मैकबुक एयर 10 या 12 का है। और अगर हम बात करें इसकी मजीद ब्लूटूथ वर्जन की, तो 4.0 का ब्लूटूथ का वर्जन भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, बैटरी जो है हमें इसमें 45.2 Wh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एडवर्टाइज साइट पे इसकी 14 hours है, वो बॉक्स पैक ही है। अब ये मार्केट में हमारे पास यूज लैपटॉप आ रहे हैं, तो ज़्यादा पता इनकी 14 hours तो नहीं होने वाली, मगर हम लोग जब इसको चेक करते हैं, तो 4 to 6 hours के अराउंड वीडियो प्लेबैक हमें बैकअप इसका देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। मतलब आप कहाँ पे 2.5 lakh
3 लाख की मशीन आप परचेज करने जा रहे हो ऑलमोस्ट कोई 70-75,000 के अराउंड, और जो हमारा जो टारगेट प्राइस है वो है 65,000। तो परचेज करना नहीं करना है, आपकी मर्जी है। और अब आप ही देख लेना ये लैपटॉप आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहें तो मार्केट में कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की क्यूरी है या फर्दर किसी मॉडल की आप स्पेसिफिक वीडियो जानना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि एक दो बॉक्स लोगों ने कमेंट में मुझे बोला था कि यार वीडियो को आप ज़्यादा ना लंबा खींचा करें, रजब भाई जैसे लगते हैं, तो फिर इसलिए जो ना वीडियो को बंद करना बनता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज असली साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।